हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम जिस क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने वाले हैं वो क्रिस्टल जो है घनीय क्रिस्टल होगा। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि घनीय क्रिस्टल में जो घटक कण होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी घनीय क्रिस्टल जो है वो अणु से या फिर परमाणु से या फिर आयन से मिलकर बना हो सकता है। तो यहाँ पे हम जिस घनीय क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने वाले हैं वो क्रिस्टल जो होगा वो परमाणुओं से बना होगा। यहाँ पे परमाणु का अर्थ हमारा एक ही तत्व के परमाणु से है, तो इसे हम इस तरीके से भी हेडिंग दे सकते हैं कि जो घनीय क्रिस्टल होगा वो तत्वों से मिलकर बना होगा। तो लिख सकते हैं कि तत्वों के घनीय क्रिस्टल के घनत्व की गणना। यहाँ पे हमने एक इकाई सेल बनाया है जो घनीय आकृति का होगा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इकाई सेल है उसके भुजा की लंबाई स्मॉल ए है, और मान लेते हैं कि प्रति इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या है वो स्मॉल जेड है। तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या का क्या अर्थ है उसे देख लीजिए। तो हम जानते हैं कि जो घनीय तंत्र होता है, ये घनीय तंत्र तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सरल घनीय तंत्र जिसको हम SCC कहते हैं, दूसरा है फलक केंद्रित घनीय तंत्र जिसको हम FCC या फिर इसी को हम CCP भी कहते हैं, और थर्ड है अंत केंद्रित घनीय तंत्र। तो ये तीन प्रकार के घनीय तंत्र हैं। तो इसमें अगर हम परमाणु प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या देखें या घटक कणों की संख्या देखें तो SCC के लिए जेड का मान एक होता है, FCC या CCP के लिए प्रति इकाई सेल में घटक कणों की संख्या चार होती है, और अंतःकेंद्रित के लिए दो होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो क्रिस्टल दिया गया है वो किस प्रकार का घनीय तंत्र है, उसके हिसाब से हम जेड की वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं। और लास्ट हम मान लेते हैं कि हमारा जो घन है वो जिस तत्व के परमाणु से बना हुआ है उस तत्व का परमाणु भार जो है ये m है। तो ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें तत्वों के घनीय क्रिस्टल के घनत्व की गणना करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे में आयतन, तो अगर हमें यहाँ पे क्रिस्टल के घनत्व की गणना करनी है तो इसके लिए हम क्रिस्टल के केवल इकाई सेल का, केवल एक इकाई सेल का घनत्व की गणना कर लेंगे, वही उसी का जो घनत्व होगा वो पूरे क्रिस्टल का घनत्व कहलाएगा। तो यहाँ पे हम गणना करेंगे इकाई सेल की, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि इकाई सेल का घनत्व बराबर, ये फॉर्मूले से हो जाएगा, इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटे में इकाई सेल का आयतन। अब हमें यहाँ पे इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल का आयतन ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। इकाई सेल का आयतन ज्ञात करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो इकाई सेल है वो घन की आकृति का है, और जो घन का आयतन होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। अब चूंकि हम देख लिए हैं कि यहाँ पे जो घन है उसकी भुजा a है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि a का क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। और अगर इकाई सेल का हम द्रव्यमान देखें तो चूंकि हम जानते हैं कि इकाई सेल में केवल यहाँ पे परमाणु ही है, परमाणु के अलावा कुछ और नहीं है, तो जो परमाणु का यहाँ पे द्रव्यमान होगा इकाई सेल में वही इस इकाई सेल का द्रव्यमान कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर इकाई सेल में जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या है वो जेड है, तो अगर एक परमाणु का द्रव्यमान m है और अगर जेड परमाणु इसमें प्रेजेंट हैं तो हम पूरे परमाणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए जेड से इसमें गुणा कर देंगे। तो जेड गुणे एम जो होगा ये इकाई सेल का द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें एम की वैल्यू भी अभी ज्ञात करनी होगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर एक परमाणु का द्रव्यमान जो स्मॉल m हम मान रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं कि वो जिस भी तत्व का परमाणु होगा उस तत्व का परमाणु भार लेंगे और बटे में नीचे हम एवोगाड्रो संख्या लेंगे। तो अगर हम किसी तत्व के परमाणु भार से एवोगाड्रो संख्या का भाग दे देंगे तो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस m की वैल्यू को रख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इकाई सेल का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा जेड गुणे कैपिटल M यानी परमाणु भार बटे में Na यानी एवोगाड्रो संख्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इकाई सेल का आयतन और इकाई सेल का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया है। अब इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इकाई सेल का द्रव्यमान हम निकाले हैं जेड गुड़े कैपिटल M बाई Na यानी एवोगाड्रो संख्या, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे आयतन यानी ए क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि ए क्यूब जो है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और घनत्व को यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं रो से,
रो से या फिर डी से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है। तो रो से हम यहाँ पे डिनोट करें तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा जेड गुड़े एम अपॉन एन ए अपॉन में ए क्यूब। तो ए क्यूब जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू हो जाएगा जेड गुड़े कैपिटल एम अपॉन में ए क्यूब गुड़े एन ए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें फार्मूला प्राप्त हो चुका है और फार्मूले में हम देख सकते हैं हमें मिला है रो इज इक्वल टू यानी घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा जेड, जेड मतलब हो जाएगा प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुड़े तत्व का परमाणु भार बटे में इकाई सेल की भुजा का क्यूब गुड़े एवोगाड्रो संख्या। तो ये जो फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है ये हमने उस क्रिस्टल के लिए ज्ञात किया है जिसमें हमने देखा कि जो घटक कण थे ये घटक कण कोई तत्व थे या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी एक ही तत्व के परमाणु थे। तो तत्व या परमाणु इस प्रकार के घटक कण थे तो हम कह सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो किसी एक ही तत्व या परमाणु से मिलकर नहीं बना है बल्कि जैसे किसी आयन से जैसे NaCl, इसमें हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग आयनिक यहाँ पे आयन हैं जिनसे मिलकर हमारा जालक बना हुआ है यानी एक आयनिक क्रिस्टल है। तो उसके लिए हम किस प्रकार घनत्व की गणना करेंगे उस सूत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ज्ञात किया था इसके लिए हमने लिखा था कि तत्वों के घनीय क्रिस्टल के घनत्व की गणना, तो इसको हम फर्स्ट दे देते हैं नाम। तो हम देख रहे थे कि तत्वों के घनीय क्रिस्टल की गणना की है कि घनत्व की, यहाँ पे हम गणना करेंगे आयनिक क्रिस्टल के घनत्व की गणना। तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि फॉर्मूला सेम है हमारा यानी रो इज इक्वल टू हो जाएगा जेड गुड़े कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो फार्मूला सेम है लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों का मीनिंग अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि जो जेड था ये प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या थी लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक यौगिक है जो कि एक आयनिक यौगिक है तो अगर आयनिक यौगिक है तो यहाँ पे हम जेड के लिए लिख सकते हैं कि प्रति इकाई सेल में इकाई सूत्रों की संख्या। इकाई सूत्र का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास अगर NaCl का क्रिस्टल है तो ये हम देख रहे हैं कि आयन जो आयन में अपने रहेंगे Na प्लस Cl माइनस इनसे मिलकर पूरा क्रिस्टल बना होगा। तो एक Na और एक Cl यहाँ पे मिलकर एक इकाई सूत्र बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि पूरे हमारे घनी एक इकाई सेल में कितने NaCl मतलब कि NaCl को हम एक साथ देख रहे हैं कितने NaCl प्रेजेंट हैं तो उसे हम यहाँ पे देखेंगे जबकि यहाँ पे हम केवल यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने परमाणु प्रेजेंट हैं। और सेकंड हम M को देखें तो M यहाँ पे हमारा परमाणु भार था जबकि यहाँ पे जो M होगा क्योंकि एक ये आयनिक यौगिक है यौगिक के लिए हम परमाणु भार की जगह अणु भार लेते हैं और अगर वही यौगिक आयनिक यौगिक होता है तो हम उसको सूत्र भार लेते हैं। तो इस तरीके से M को हम लिख सकते हैं यौगिक का सूत्र भार और A क्यूब और Na का इन दोनों का मीनिंग अभी सेम रहेगा जैसे यहाँ पे था। और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारे पास आयनिक क्रिस्टल होगा उसके घनत्व की गणना करनी होगी।